मैं हूँ आदर्श नगर ये कॉलोनी में। ये है फ्लाई ओवर, मेरा साथ में इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ और साथ में ये जा रहा है साइकिल में। ये कैमरा में आने में बहुत अभी मैं हूँ जब देखा कर सामने ठंडा है आज तक ठंडा और इतना ठंडा और अगर भी मैं फीस है तो अभी मैं यहाँ से जितने पैसे उसे लेकर चला जाऊँगा। चलो आज तक लोग बने रहिए। साइकिल से भी गिर जाता मैं। और यह है 11वीं मोड। फिलहाल में ब्रिज की ये सब दार्जिलिंग जाने के लिए गाड़ी खड़ा है और यहाँ पे अभी दार्जिलिंग रामानंद ब्रिज में ट्रैवल करने में है क्योंकि भाड़ा भी कम लगता है। अब आसान करने की जरूरत करते हैं तो बने रहे इस ब्लॉग में। फिलहाल में ये दार्जिलिंग का गाड़ी बस खड़ा है और अभी मैं दार्जिलिंग का वो टिकट कटूंगा और पता जंक्शन में यहाँ पे फिर निकलते हैं तो बस के टिकट का काउंटर इधर है तो पहले एक बार चलते हैं क्योंकि मुझे धोखा हुआ पूरा चलता नहीं है चार नंबर का। ये भाई मैंने टिकट भी काट लिया और अभी मैं फिर उठूँगा कि सीट पता नहीं कितना नंबर में है, यहाँ से देखना पड़ेगा कितना नंबर दिया है। सीट नंबर ये कितना नंबर ठीक है 47 दिया है ना क्या है? ये है बस का लाला ये हो दार्जिलिंग का ये बस और मैं हूँ अभी बस में तो यहाँ से यहाँ का मार्केट रास्ता में देने से बहुत दिक्कत पड़ जाता है जैसे यहाँ पे रखा हुआ चाय में गाड़ी और रास्ता ज़्यादा नहीं वन बाई वन का होता है बहुत डिफिकल्ट गाड़ी।
से ऑफर सब लगाया दुकान यार। शकरकंद और मीठा कंद, प्याज, आलू सब, ये संतरा है। यहाँ के टोकरे में बिक्री किया जाता है, पता नहीं किस रेट में है वहाँ तो मालूम नहीं है, पर शकरकंद और संतरा पूरा ताज़ा दिख। काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है, कैमरा एक्चुअली ठीक नहीं है। कंचनजंगा व्यू और मेरा सामने ये चलो एक बार ये दार्जिलिंग स्टेशन और नवंबर विश्व जनसम्मता पर सम्मानित किया गया हुआ है। ये मिस ममता बनर्जी का भी यहाँ जगह हुआ। जल्दी बना, आप वेट करेगा सर। ऊपर की और मैं जा रहा हूँ इधर मार्केट की तरफ। तो यहाँ से मार्केट आपके लिए थोड़ी दूर मिल रहा है और अभी देखते हैं मार्केट का क्या पोजीशन है। तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा, यहाँ पे दो एक ऊपर की तरफ से। तो किसी देख रहे हैं ये नीचे वाला हुआ है और मैं वो नीचे वाला रास्ता यहीं पे मिल जाएगा और यहीं पे है सुपर मार्केट, किसी को बोलता सुपर मार्केट। तो ये भाई इतना क्राउड से है, यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह भी रास्ता जाके कुछ व्यू शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा पीछे पूरा क्राउड सा फील है आज की ये मार्केट में। और यहाँ से सामने में है आपका सुपर मार्केट और वहाँ पे एक ही प्लेस खुलना है, तो पता नहीं अभी ऑफिस से कंफर्म करके करता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ चौरस पर। तो यहाँ का व्यू तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संतरा भी बिक्री हो रहा है। अभी जाऊँगा उस कार में, तो चलो चौथरा यहाँ से कितना किलोमीटर देखते हैं फिर और आगे क्या क्या है आप लोगों के साथ में मैं जरूर शेयर करूँगा। गैस बने रहिए गेस्ट। तो मैं आया इधर से और जाऊंगा अभी इधर और यहाँ पे सुपर मार्केट ये पूरा पूरी मार्केट में शेयर नहीं करूँगा। तो रास्ता मेरा पास मोटा मोटी एक घंटे टाइम है, एक बार ऊपर भी जाऊँगा और क्या सीनरी है सुपर मार्केट का वो भी दिखाऊंगा। एक चीज़ देखा यहाँ पे गौ माता की इतना बाजार में फैट रहा था इधर में घुसा नहीं। तो
ये सुपर मार्केट है। नेपाल चलने में मुझे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि मैं इधर से नीचे से आया और अभी जा रहा हूँ चौरस्ता, तो ये चौरस्ता को पीछे पीछे नज़र देख रहा है इतना डर। ये हुआ बाईपास और मैं इधर जाऊँगा। ये है चार्ट, पूरा कपड़ा का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे तो ये लोग में तो पूरा कपड़ा का ही मेला लगा है, पता नहीं आगे रास्ता है कि नहीं। और ऊपर आगे एक मंदिर है, वहाँ पे जाऊँगा। पूरा लाइन है हिमालय भाई। ओह माय गॉड, भाई ये कहाँ पे, यहाँ पे आया उधर से चौरस्ता होके, तो हिमालय का नज़र भी एक चक्कर मैंने देख लिया यहाँ से। मेरा यहाँ पे कुछ मंदिर है, ये यहाँ पे बना हुआ है मंदिर। पूरा फुल व्यू दिखता है हिमालय का, और मैं उधर से देख नहीं पाया क्योंकि तार का वो घेरा हुआ था, और मैं आगे दिखाऊंगा वो तार का घेरा होते हुए आया इधर, और वो दिखाऊंगा हिमालय एवरेस्ट। इसलिए यहाँ का फोटो भी शेयर करता हूँ, तो गैस पीछे देख रहा है एवरेस्ट माउंट का व्यू। ये रहा यहाँ का नज़ारा, कैफी हाउस दार्जिलिंग। यहाँ से माउंट दिखता था, काफी अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है।
गाइस, तो वो हुई तो कितने और आज के वीडियो में ये सब चीज़ करते हैं।